हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, फाइनली वन प्लस ने अपना एक लेटेस्ट डिवाइस लॉन्च कर दिया है, वन प्लस नॉर्ड CE2। मतलब जो है, यह नाम भी एक तो अजीब सा रखा है, वन प्लस नॉर्ड CE2। ऐसा मतलब इतना बड़ा नाम है, थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन सा हो जाता है। आपको होता है क्या? आपने टेस्ट किया है? आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। लेकिन उससे एक दिन पहले जो है, रियलमी ने भी अपना एक लेटेस्ट डिवाइस लॉन्च किया था, रियलमी 9 प्रो प्लस। एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का जो प्राइस सेगमेंट है ना, वो ऑलमोस्ट मिलर है। तो हमारे वीडियो बनाने का मतलब यह है कि अगर आपका बजट है 20,000 से हल्का सा ऊपर, 23-24-25 हज़ार रुपए के आसपास, तो आपको जो है कौन सा फोन लेना चाहिए? दो लेटेस्ट डिवाइस लॉन्च है, वन प्लस नॉर्ड CE2 या फिर जो है रियलमी 9 प्रो प्लस। कहीं डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, कंपेयर करते हैं इन दोनों ही फोन को, वन प्लस नॉर्ड CE2 वर्सेस रियलमी 9 प्रो प्लस। सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अगर इन दोनों का प्राइस सेम है, स्पेसिफिकेशन सेम है, तो आपके लिए जो है कौन सा ब्रांड बेटर रहेगा, रियलमी या फिर जो है वन प्लस? अपने अपने ओपिनियन जो है जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताना। किसी की चॉइस होगी रियलमी, किसी की होगी वन प्लस, लेकिन आपकी ये चॉइस है, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये है OnePlus Nord CE2 का डिजाइन और ये है Realme 9 Pro Plus का डिजाइन। गाइस, डिजाइन वाइज में ये दोनों ही फोन काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब दोनों ही फोन का जो लुक है ना, वो काफी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे बैक डिजाइन साथ में, यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है उसका जो डिजाइन है ना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग बनाया गया है। OnePlus ने भी यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है डिजाइन को लेके। और यहाँ पे बात करते हैं Realme 9 Pro Plus के अंदर, तो वहां पर भी जो है काफी अच्छा काम किया गया है Realme 9 Pro Plus के डिजाइन को लेके। दोनों ही फोन का जो कैमरा मॉड्यूल है वो कुछ डिफरेंट है, कुछ हटके है इनकी आने वाले फोन से कंपेयर करते हैं। तो यहां पे नो डाउट का इस डिजाइन वाइज में हम यहां पे एक अच्छा बोलना चाहेंगे दोनों ही फोन को। अब सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, किसी को Realme 9 Pro Plus का डिजाइन ज्यादा बेटर लगेगा और किसी को जो है OnePlus Nord CE2 का डिजाइन जो है ज्यादा बेटर लगेगा। आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगा है, आप मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन मुझे जो है OnePlus Nord CE2 का डिजाइन जो है हल्का सा जो है ज्यादा इंप्रूवमेंट लगा है कंपेरिजन Realme 9 Pro Plus के। और गाइस, अगर हम बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट डिजाइन के बारे में, तो यह है Realme 9 Pro Plus का डिजाइन और यह है यहाँ पे OnePlus Nord CE2 का डिजाइन। 6.43 इंच का डिस्प्ले है एंड दोनों ही फोन के अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगा 90 हर्ट्ज के फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश के साथ में। मतलब गाइस, यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी भी ना इन दोनों ही फोन के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर सी देखने को मिलने वाली है। मतलब जो है कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा तगड़ा है। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं पीक ब्राइटनेस की, तो वो है 600 nits के साथ में आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी इन दोनों ही फोन के अंदर। इसका मतलब है कंपटीशन और भी तगड़ा बन जाता है। मतलब डिस्प्ले क्वालिटी में यहाँ पे कंपटीशन है और साथ में यहाँ पे बैक डिजाइन के अंदर भी जो है कंपटीशन है। लेकिन गाइस, अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, दोनों में जो चिपसेट यूज किया गया है वो है मिलटेक का। लेकिन दोनों ही फोन 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बेस्ड है, जो चिपसेट है ना उनका 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। लेकिन चिपसेट में फर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रियलमी 9 प्रो प्लस है वहां पे यूज किया गया है मिलटेक का डायमेंसिटी 920 चिपसेट। और वहीं बात करता हूं OnePlus Nord CE2 के बारे में, तो वहां पर चिपसेट आपको देखने मिलेगा वो है मिडटेक का डायमेंसिटी 900। मतलब 20 जो नंबर है ना, वो थोड़ा ज्यादा है Realme 9 Pro Plus के अंदर। लेकिन परफॉर्मेंस में कितना फर्क है, वो जब फोन अवेलेबल होगा ना हमारे पास, तब डेफिनेटली आपको बताएंगे। लेकिन हम बात करते हैं डायमेंसिटी 900 की, तो वो एक मतलब 20,000 के अंदर फोन आने वाला चिपसेट होता है ना, वो वाला है। लेकिन 920 हल्का सा अपग्रेड है। परफॉर्मेंस के मामले में कितना ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिलता है Realme 9 Pro Plus के अंदर, जब ये OnePlus Nord CE अवेलेबल होगा, तब जरूर से हम इन दोनों फोन के बीच में कंपैरिजन करेंगे। हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वाइज में सीट में बोल सकते हैं कि अपग्रेड है Realme 9 Pro Plus चिपसेट के मामले में। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो Realme 9 Pro Plus है वहां पे यूज किया गया है 50 MP का यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप। और वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पे OnePlus Nord CE2 के बारे में, तो वहां यूज किया गया है 64 MP का कैमरा सेटअप। यहाँ पे अगर सेंसर की बात करते हैं ना, तो आपको मिलता है सोनी का सेंसर IMX766, जो कि आपको Realme 9 Pro Plus के अंदर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस में यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है, मैंने जो है पर्सनल यहाँ पे इमेजेस चेक की हैं यहाँ पे Realme 9 Pro Plus की, नो डाउट एक आपको शानदार इमेजेस देखने को मिलती है Realme 9 Pro Plus के अंदर। अब OnePlus Nord CE का जो है कैमरा परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा, अगेन वही बोलूंगा मैं परफॉर्मेंस, जैसे कि जब मेरे पास फोन अवेलेबल होगा तब जरूर से आपको टेस्ट करूंगा। लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज में यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि सोनी का सेंसर भी जो है यहाँ पे आपको कोई डाउनग्रेड इमेजेस देखने को नहीं मिलती है। मतलब एक अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आपको देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे डिस्प्ले के साथ में और डिजाइन के साथ में जो है
कैमरे में भी जो है अच्छा सा कंपटीशन होने वाला है। एंड अगर सेकंड एंड थर्ड कैमरे की बात करते हैं एंड फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो वो दोनों ही फोन का सेम है, जो कि 8MP का अल्ट्रा वाइड, यहाँ पे 2MP का मैक्रो लेंस एंड 16MP का फ्रंट कैमरा, वो लगभग सेम है। लेकिन प्राइमरी कैमरे में जो है कॉम्पिटिशन काफी अच्छा खासा बन जाता है यहाँ पे। और गाइस अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, 5000mAh की बैटरी है Realme 9 Pro Plus के अंदर और OnePlus Nord CE 2 के अंदर है 4500mAh की बैटरी। यहाँ पे बैटरी 500mAh कम है OnePlus Nord CE 2 के अंदर। और अगर चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, 65 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है यहाँ पे Realme 9 Pro Plus और 60 वॉट का चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे OnePlus Nord CE 2 के अंदर। एंड अगर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों ही फोन के अंदर आपको जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो गाइज ये था इन दोनों ही फोन के बीच में कंपैरिजन। यहाँ पर कुछ चीजें जो है Realme 9 प्लस के अंदर बेटर देखने को मिलती है, जैसे परफॉर्मेंस आपको जो है डायमेंसिटी 920 देखने को मिलता है एंड बैटरी जो है 5000mAh की बैटरी है, 65 वॉट का चार्जिंग है, तो यहाँ पे माइनर से अपग्रेड है Realme 9 Pro Plus के अंदर, लेकिन कोई ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे डिपेंड होता है अपने ऊपर कि मुझे जो है कौन सा ब्रांड पसंद है, किस पे मुझे जो है ज्यादा ट्रस्ट है, कौन वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे फोन हमें प्रोवाइड करता है, उसकी तरफ हम जो है जा सकते हैं। अदरवाइज ये फोन जो है दोनों ही फोन ऑलमोस्ट से सिमिलर से ही हैं। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपका क्या मानना है इन दोनों ही फोन के बारे में, आपका कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन आपको लगा है आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलता है ऐसे किसी अगले वीडियो में।